डॉक्टर सक्सेना के पास गए थे? गया था सर। क्या रिपोर्ट मिली? सर मैंने आपका नमक खाया है, जुबान नहीं खुलती। डॉक्टर का कहना यह है कि भाभी जी को बच्चा होना बहुत मुश्किल है। सर अब आप विलायत जा ही रहे हैं तो भाभी जी को भी साथ ले जाइए, वहां बड़े काबिल डॉक्टर हैं, उनका जरूर कुछ ना कुछ इलाज हो जाएगा सर। नहीं लक्ष्मीदास, ये सब दिल बहलाने की बातें हैं। किस्मत ने मुझे धन दौलत इज्जत सब कुछ दिया, नहीं दिया तो एक बेटा जिसे मैं सब कुछ दे सकूं। सर आप किसी और का बच्चा गोद क्यों नहीं लेते? नहीं, मैं दूसरों के घर की चिराग से अपने घर को रोशन करना नहीं चाहता। सर ये डॉक्टर लोग कुछ भी कहें लेकिन मेरा दिल कहता है कि भावी की श्रद्धा और प्रार्थना बेकार नहीं जा सकती। हे भगवान, मैं भी देखती हूँ मुझे कब तक खाली हाथ लौटना पड़ेगा। भगवान, तेरे सामने उसने मुझसे शादी का वादा किया था, शर्म नहीं आती ऐसा करते? दुनिया में किसी का अधिकार नहीं इस तरह जान देने का, समझी? लेकिन समाज ने यह अधिकार एक बिन बिहाई माँ को दिया है। तो क्या तुम इसलिए? कितनी अजीब बात है कि तुम इस मंदिर में आई हो कि माँ बनने वाली हो, और मैं इसलिए कि मैं माँ नहीं बन पाई। फर्क सिर्फ इतना है, जो आपके लिए पुण्य है वो मेरे लिए पाप है। जरा सोचो, तुम्हारा होने वाला बच्चा किसी के प्यार की अमानत है। वो प्यार छूटा था, वो मुझे छोड़कर भाग गया है, तो इसमें तुम्हारे होने वाले बच्चे का क्या दोष है? ये आप आज कह रही हैं, कल दुनिया के साथ आप भी इस पर इल्जाम धरेंगी। कौन देगा इसे अपना नाम, अपना घर? कौन स्वीकार करेगा इसे? आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बात रहने दीजिए। आप कह रही थी ना आप माँ नहीं बनी, आप मेरे बच्चे की माँ बनेंगी? मुंह मीठा नहीं करेंगे। क्यों? मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? लेकिन डॉक्टर ने तो... भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी कसम, मेरी कसम। आज मैं कितना खुश हूँ। आज मैं कितना खुश हूँ सीता। मैं भी कितनी खुश हूँ। कितना अच्छा होता तुम भी हमारे साथ चलती। लक्ष्मीदास हमारे साथ जा रहा है और शंकर भी हॉस्टल जा चुका है। अब तुम साल भर घर में अकेली रहके क्या करोगी? मैं ऐसी हालत में कैसे जा सकती? जितनी देखभाल मैं अपने यहाँ कर सकूंगी वहाँ नहीं कर पाऊंगी। सीता देवी, अगर आप कहें तो मैं अपनी बहन को आपकी सेवा के लिए कह जाऊं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। सोनिया, उनका टेलीग्राम आ गया है, वो अगले हफ्ते आ रहे हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया, मेरे बेटे का। बहन ये रात तुम जानती हो, और मैं अपनी सुहा की कसम खाकर कहती हूँ कि ये रात कभी किसी पर नहीं खोलूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। देखो हंस रहा है पहलवान। किसका बेटा है? मेरा बेटा है, मम्मी का बेटा। देखते देख, इसके होंठ बिल्कुल तो जैसे हैं और आंखें मुझ जैसी। बिल्कुल नहीं भैया, ना इसके होंठ भाभी जैसे हैं ना आंखें आप जैसी। नहीं पगले, अभी छोटा है ना, इसलिए तुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। थोड़ा से बड़ा होने दे फिर देखना, ये बिल्कुल तुझ जैसा बदमाश नहीं। अरे रे रे रे, देखो इसने अभी से शैतानी शुरू कर दी। लाइए आ बेटा। अच्छा बेटे ये बता, आज भगवान के सामने कौन सा प्रसाद चढ़ाया है? गाजर का हलवा। सीता देवी, मैं सोनिया बोल रही हूँ, वो वापस आ गया है,
कौन वापस आ गया है? उस बच्चे का बाप। मेरी जिंदगी तो उसने बर्बाद कर ही दी है, अब बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहता है। उसे किसी तरह हमारा राज मालूम हो गया है, अब वो चुप रहने की कीमत मांग रहा है। हेलो हेलो, मुझे उसकी खामोशी हर कीमत पर खरीदनी है। कितना रुपया चाहिए उसे? क्या? आपकी सती सावित्री पत्नी सीता देवी आपसे 10,000 रुपया लेकर आपकी दौलत और अपने आप को किसी और पर निछावर करने गई है। क्या बकते हो? अगर यकीन ना हो तो खुद जाकर देख लो, पता है होटल नटराज। आप ही हैं? जी हाँ, आइए तशरीफ रखिए। ठहरिए, अभी इसकी कोई जल्दी नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ। जी वो आ गया है, वो देख रहा है क्या? हाँ, वो हमारी तरफ ही देख रहा है। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। ये लीजिए, ये पूरे 10,000 रुपए हैं। इतनी भी क्या जल्दी थी? आपसे विनती है, ये राज किसी पर खुलना नहीं चाहिए। घबराइए नहीं, ये राज जितना खुलना चाहिए था उतना ही खुला। बेटा, आप यहाँ? आप तो ऑफिस गए थे ना? क्यों, मुझे देख के हैरान हो गए? कहाँ गई थी? जी, मैं शॉपिंग करने गई थी। ओ, मैं तो भूल ही गया था, बहुत देर लगा दी तुमने। जी। कहीं और भी गई थी? जी नहीं, आप बहुत परेशान से लग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना? तुम जैसी बीच और झूठी औरत के छूने से कोई भी इंसान गंदा हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? आज मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया, मैंने तुम्हें क्या समझा था, अब तुम क्या निकले? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए आप मुझे ये सजा? क्या गैर मर्दों से छुप छुप के मिलना पाप नहीं? क्या पति की दौलत में आशिकों को पालना पाप नहीं? क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? बोलो। कोई जवाब नहीं, इन आंखों ने जो देखा है उसको तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। निकल जाओ घर से, निकल जाओ मेरे घर से, जाओ। लेकिन ये तो बताइए, इस घर से निकलकर मैं कहाँ जाऊँ? आपके सिवा मेरा है कौन? जहाँ से हो आई हो वहाँ तो जा सकती हो। कहते हैं शादी के बाद औरत डोली पे अपने पति के घर आती है, और जब जाती है तो सिर्फ अर्थी पर। तो भी इस घर से तुम्हारी अर्थी ही निकलेगी। क्यों, अचानक जिंदगी से इतना प्यार? नहीं, आपसे मैं नहीं चाहती मेरे मौत का इल्जाम आप पर आए। मैं तो उसी वक्त मर गई जब आपके नजरों से गिरी। इस घर से मैं अर्थी पर तो नहीं, एक जिंदा लाश बनकर जा रही हूँ। छोड़ दे मुझे, जाने दे। नहीं भाभी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। भैया, भाभी को रोक लिया प्लीज। सुना नहीं तुमने, मैं कहता हूँ इधर। अगर तुम्हें जरा भी शर्म बाकी है तो डूब पड़ो। चलो तुम ऊपर आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चलो भाभी, चलो भाभी, भाभी तुम कहीं नहीं जाना। भाभी, भाभी।
भाई साहब मौका अच्छा है, आप कहें तो सीता देवी पर गाड़ी चढ़ा दूं। नहीं नहीं ब्रदर, नहीं लाओ, देखते नहीं हुआ एक आदमी बैठ के नमाज पढ़ रहा है, और ऐसे ही जो मरने के लिए जा रहा हो उसे मारने से क्या फायदा।